दुनिया के किस मुल्क में, कई मुल्क में अब बची है ईवीएम? टांडा, हाँ टांडा नगर क्षेत्र में भाजपा का कोई जन आधार नहीं होता। अच्छा, वही फिर रहेगा। अरे मोदी जी तो 500 पूरा ले सकते हैं भाई, जब 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 जनता या आप अधिक लोग इस बात की डिमांड करें कि ईवीएम हटा दी जाए, तो अगर मोदी जी ईमानदारी है या सरकार ईमानदार है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है जनता की मांग को मानकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अखिलेश यादव जी जो हैं वो बोलते हैं कि मुस्लिम और यादव मेरे दो पक्के वोटर हैं। है तो वो तो थे ही, लेकिन अब नहीं होंगे। अब नहीं है, अब समय टांडा में है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर जो भी लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का माहौल है 2024 चुनाव का, और किस प्रकार के मुद्दों पर होगा चुनाव इस बार। यहाँ के सांसद हैं रितेश पांडे, और वो बीएसपी में थे और वो बीएसपी छोड़कर आ गए हैं बीजेपी में, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद के प्रत्याशी हैं राजू वर्मा जी हैं, और यहाँ पर कुछ भाई साहब, क्या नाम सर? इजहार अहमद। कैसा माहौल इस बार रहेगा लोकसभा चुनाव का? माहौल कैसा रहेगा? जैसा रहता है भाई, यहाँ तो भाई भाजपा का कोई आधार है नहीं टांडा शहर में। अच्छा है, हमेशा अपोजिशन का आधार रहा है, वही रहेगा। अच्छा, टांडा में मतलब टांडा नगर क्षेत्र में भाजपा का कोई जन आधार नहीं होता। अच्छा, वही फिर रहेगा। बताइए कि आपके जो सांसद जी हैं रितेश पांडे जी, वो अब आ गए हैं बीजेपी में, तो उनको जाते नहीं चाहते उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छा। जब जब सिर्फ सांसद हमारा हो, चाहे जो विधायक हो, जब वो सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के लिए ही पार्टियां बदलता रहेगा। अच्छा। जनता का क्या फायदा है बताइए आप? वो पहले जब बीएसपी में थे तो ठीक थे, नहीं थे तभी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं किया। आज उनको बीएसपी में ज्यादा वो नहीं मिल रहा है, तो भाजपा में चले गए इस। अच्छा। तो जनता का क्या फायदा हो रहा है ये बताइए। कुछ सिर्फ सवाल दो चार उठा देना, उससे कुछ नहीं होता। हाँ। उसको करके दिखाना पड़ता है कि ये इस क्षेत्र में हुआ। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 405 सीटें हो जाएंगी। अरे मोदी जी तो 500 पूरा ले सकते हैं भाई, जब 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 जनता या आप अधिक लोग इस बात की डिमांड करें कि ईवीएम हटा दी जाए, तो अगर मोदी जी ईमानदारी है या सरकार ईमानदार है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है जनता की मांग को मानकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप ईवीएम को हैक कर दीजिए। नहीं, कर दीजिए आप मेरे सामने, हैक कर दीजिए, मैं उसको मान लूंगा। एक चीज आप बताइए, जिसे जिस चीज के दुनिया के किस मुल्क में, कई मुल्क में अब बची है ईवीएम? जो हमसे सबसे पीछे हैं वो लोग तो बंद कर चुके हैं, जो आगे थे तो बंद किए, बहुत पहले बंद किया। जो पाकिस्तान में यह मांग हो रही है कि वहाँ पर ईवीएम से पाकिस्तान क्यों ले आते हैं भारत में यार? यही पाकिस्तान में यह मांग हो रही है, पाकिस्तान का नाम क्यों लाया जाता है, यही आप बता दीजिए। सुनिए, पाकिस्तान में यह मांग हो रही है, पाकिस्तान में यह मांग हो रही है कि वहाँ पर ईवीएम से हो, वहाँ पर बांग्लादेश का क्यों नहीं लिया जाता? क्या नाम है सर? जाहिल आदमी हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। कहाँ से हैं? जाहिल आदमी, अनपढ़ बोलने पर। जाहिल आदमी है। किसको वोट देंगे इस बार? भाजपा को। मैं वोट दूंगा भाजपा को, वोट दूंगा। आवास मिला हुआ हमको, हम दूंगा। आप अपना बताइए। सरफराज अहमद। एक मिनट जाइए। आप इस बार क्या माहौल रहेगा लोकसभा चुनाव का? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, पक्ष में रहेगा। आपका नाम? आप भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, और मुस्लिम समुदाय और खासकर टांडा क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व ना रहा है, मतलब 1% भी यहाँ पर बीजेपी नहीं जीतती है, क्या कहेंगे? लालजी वर्मा को टिकट दिया गया। हाँ। अखिलेश यादव को, यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो जरूर है, लेकिन मुस्लिमों का नामो निशान अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ा है। अच्छा, तो मुस्लिम। और दूसरी चीज ये कि लालजी वर्मा यहाँ पर पूर्व के कैबिनेट मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन कभी उन्होंने बुनकरों का काम नहीं किया। अच्छा, जबकि बुनकर हैं। हाँ, बुनकर हैं। अच्छा। और जबकि कई बार जब इनकी बुनकर अपनी समस्या लेके इनके आवास पे गए, इनके घर गए, इनसे बात करना चाहे, तो इन्होंने कहा कि अपना काम अपना धंधा बदल लो। अच्छा। लेकिन रितेश पांडे ने जो कैंडिडेट घोषित भाजपा ने किया रितेश पांडे को। हाँ। लेकिन आज तक रितेश पांडे ने ऐसा जवाब बुनकरों को नहीं दिया। अच्छा, रितेश पांडे जी जो हैं, रितेश पांडे कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी जो हैं वो बोलते हैं कि मुस्लिम और यादव मेरे दो पक्के वोटर हैं। है तो वो तो थे ही, लेकिन अब नहीं होंगे। अब नहीं है, अब नहीं, अब चेंज कर दिए मुस्लिम हो जाएंगे। अब सोचाते हैं, अब समय आने पर देखा जाएगा। अच्छा।
अभी तो हम लोग बीजेपी है, जो सांसद जी हैं अब तो उसमें आ गए हैं, सांसद जी बीजेपी में आ गए हैं, आ गए तो उनको नहीं वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे उनको? किसको? अरे पांडे को, पांडे को देंगे, देंगे हाँ देंगे, बीजेपी में उनको भी देखा जाएगा, उससे क्या मतलब है? उससे क्या काम किया उन्होंने आपके लिए? किया है क्यों नहीं? हाँ।